कोरोना वायरस संबंधित फेक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले मामले में साइबर सेल को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें कोर्ट में जल्द ही पेश किया जाएगा। साथ ही पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय ने कहा कि आगे भी इसी तरह की अफवाह फैलाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब से इस महामारी ने जड़ पकड़ा है, तब से इससे संबंधित कई अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। 24 मार्च को सोशल मीडिया पर एक 4 मिनट 52 सेकंड का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें नागपुर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 59 और 200 से अधिक इसके संदिग्ध है कहा गया है। साथ ही 3 डॉक्टर्स में से एक वेंटिलेटर पे है। इस ऑडियो में नागपुर के मेडिकल और अन्य अस्पतालों की गैर जिम्मेदाराना हरकत की बात भी कही गई, हालांकि यह सब अफवाह थी। इस बात की पुष्टि पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय ने की है। 24 तारखेला नागपूर शहरामध्ये 2 लोकांनी एक ऑडिओ क्लिप जारी केलं होतं, ज्यामध्ये नागपूर शहरामध्ये कोरोना व्हायरसचे पेशंटबद्दल अतिशय चुकीची माहिती देण्यात आली होती। हा ऑडिओ क्लिप पूर्ण देशामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये पसरलं, त्याचे फार एक खळबळ माजली। यामध्ये आम्ही गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला। आमच्या सायबर सेलने काल रात्री 3 लोकांना अटक केलेली आहे, त्यामध्ये एक अमित पारधी आहे, त्यानंतर एक जय गुप्ता आहे आणि एक मिश्रा आहे। हे अमित पारधी बोलतो, जय गुप्ता त्याला त्या बाजूला आहे आणि मिश्राने त्याला व्हायरल केलेलं आहे। हे लोकांना आम्ही काल अटक करून लॉकअपमध्ये ठेवलेलं आहे, आज कोर्टामध्ये पेश करणार आहे। त्यांना कळत त्या कळत शिक्षा व्हायचा प्रयत्न करतो। या प्रसंगी लोकांना विनंती करतो की आपण अजिबात अफवा पसरू नये, आपण कोणतीही चुकीची माहिती पसरू नये, प्रशासनाला मदत करावी। जर असं कोणी करत गेलं तर त्याला लॉकअपमध्ये जावं लागेल, त्याला जेलमध्ये जावं लागेल, असे लोकांना विनंती करतो। त्यामुळे सहकार करा, खोटी माहिती पसरू नका। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऑडियो क्लिप जारी होते ही वायरल हो गई, जिससे पूरे विदर्भ में हलचल मच गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में जय गुप्ता, अमित पारधी और दिव्यांशु मिश्रा है। इस पूरे प्रकरण के पीछे गुप्ता और पारधी का दिमाग है, जिसने एक पारिवारिक मित्र मिश्रा को क्लिप भेजा था, जो दिल्ली में कार्यरत है, लेकिन पत्नी की गर्भावस्था के कारण मिश्रा अजनी के सुयोग नगर में रुका हुआ था। मिश्रा ने नकली क्लिप को पत्नी को भेजा था, जो क्लिप दोस्त के पास भेजने से पहले ही वायरल हो गई। क्लिप जारी करने वालों का पता लगाने के लिए पुलिस सक्रिय हो चुकी है। जानते ही गुप्ता ने क्लिप को हटा दिया था और मिश्रा की पत्नी के मोबाइल को रिसेट कर दिया था। मामले को सुलझाने के लिए साइबर सेल द्वारा लगभग 35 लोगों से गहन पूछताछ की गई। पिछले कुछ दिनों में 2400 घंटे काम करने वाली साइबर टीम द्वारा कई लोगों को बुलाया गया, इस बारे में पूछताछ भी की गई। इस मामले में भूषण कुमार उपाध्याय ने कहा कि यदि आगे भी इस तरह की अफवाह फैलाई गई तो सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे।